This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। 21 अलीशान डिब्बों वाली बुलेटप्रूफ ट्रेन से चीन पहुंचा था किंग जोंग। 7 साल पहले उसके पिता ने भी यही किया था। किंग जोंग उन जिस ट्रेन से चीन पर यात्रा पर गया उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि ये बुलेटप्रूफ ट्रेन थी जिसकी रफ्तार काफ़ी धीमी थी और इसमें सफ़र करने वालों के लिए शराब, झींगा मछली और पोक का इंतज़ाम था। कहा जाता है कि किंग जोंग उन का पिता किंग जोंग इल और दादा किंग इल सुंग भी ऐसी ट्रेन का इस्तेमाल करते थे क्योंकि उन्हें फ्लाइट से सफ़र करना पसंद नहीं था। ट्रेन में 21 आलीशान डिब्बे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रेन में 21 आलीशान हरे रंग के डिब्बे लगे थे। इसमें यात्रियों के लिए पेरिस की खास शराब, झींगा मछली और पोक का इंतज़ाम था। ट्रेन में रहती थी महिला कंडक्टर्स। किंग जोंग उन के पिता किंग जोंग इल ऐसी ट्रेन में सफ़र करते थे जिसमें किंग जोंग इल के मनोरंजन के लिए कुछ महिलाएं भी होती थीं जिन्हें लेडी कंडक्टर्स के नाम से जाना जाता था। हर डिब्बा बुलेट प्रूफ, इसलिए वजन ज़्यादा, रफ्तार धीमी। इस ट्रेन के साथ ही 2 ट्रेनें होती थी। मुख्य ट्रेन में नेता होते थे, दूसरी ट्रेन में एडवांस सिक्योरिटी वाले और तीसरी ट्रेन में एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड सजो सामान के साथ। इसका हर डिब्बा बुलेट प्रूफ था लिहाजा ट्रेन का वज़न बहुत ज़्यादा था। अधिकतर रफ्तार सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी। चार देशों की डिशेस का इंतज़ाम। रूस के एक अफसर ने 2011 में किंग जोंग इल के साथ इस ट्रेन में सफ़र किया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इस ट्रेन में रशियन, चाइनीज़, जापानीज़ और फ्रेंच डिशेस का खाना मौजूद रहता था। आराम और मनोरंजन का पूरा ख्याल। इसमें आरामदायक सोफे और बेड रहते थे। हर डिब्बे में टीवी स्क्रीन था। ये पूरी तरह से घर जैसा एहसास देती थी। पिता की तरह ट्रेन से बीजिंग पहुंचा किम। न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ ने किंग जोंग उन और शी जिनपिंग के हाथ मिलाते हुए तस्वीर भी जारी की। जापानी मीडिया ने सोमवार को खबर दी कि उत्तर कोरिया का एक हाई प्रोफाइल अफसर ट्रेन से चीन पहुंचा। अब खुलासा हुआ कि शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद किंग जोंग उन था। बता दें कि 2011 में किम के पिता किंग जोंग इल सेकेंड भी स्पेशल ट्रेन से बीजिंग पहुंचे थे।